नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। टारगेट ये जो 30 डेज का था भाई, इसमें दो दिन से वीडियोस नहीं मिल रही थी। इसमें कुछ घर में काम आ गया था अचानक, इस चक्कर में मैं ये 10 बजे वाला वीडियो बना नहीं पाया। अभी देखो 10 बजे नहीं मिल रहा, 11:30 बज रहा है, ठीक है। मैंने लेकिन आज सोचा था कि मुझे देना है, चाहे लेट हो चाहे सवेर हो, ठीक है। कल से ये आज से ही कंटिन्यू मिलेगी। अब 10 दिन में पूरा आपका ये पूरा जो ग्रुप डी का सिलेबस है, जिन बच्चों ने टारगेट लेके चला था उनका रिविजन हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक। तो टारगेट आज डे 20 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखो टारगेट डे 20 आप लिख लेना कि आज आपको रीजनिंग में 50 प्रीवियस या सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया, फिर से बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 30 डेज खत्म होते ही मैं कुछ और नया आपको देने वाला हूँ, ठीक। ये चलता रहेगा, ठीक। 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीजनिंग में लगाने, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आने हैं, तो 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, या फिर जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है उससे 2 सेट रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, यानी कि ये हो जाते हैं 7। मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसके 2 सेट के रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना सही रहेगा, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो 4 घंटे तैयारी करते हो तो 2 घंटे रीजनिंग पे देना बनता है, 2 घंटा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आता है। अगर जो रीजनिंग में 2 घंटा देते हो और 25 तक पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, ठीक। मैथ में आपको टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक का रिवीजन करना है, टाइम एंड वर्क के पूरे टॉपिक का रिवीजन मैथ में करना है। बचा हमारा पीडीएफ है, आज इसको भूर भुआ स्वाहत हो जाएगा, यानी कि पीडीएफ मैथ का जिन बच्चों ने नहीं लिया, फिर से बोलता हूँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है ले लो। मैं बोलता हूँ 14 से 15 क्वेश्चन गारंटी है यहाँ से फंसने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 476 से लेके 500 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। इन 20 डेज में आपने ये पीडीएफ मैथ का खत्म कर लिया है, इन 20 डेज में जिन लोगों ने किया रीजनिंग का पूरा सिलेबस का रिवीजन कर लिया है, इन 20 डेज में मैथ ही लगभग रिवीजन कर लिया है, और इन 20 डेज में फिजिक्स आपने लूसेंट से पढ़ लिया या हमारे साइंस के पीडीएफ से पढ़ लिया, ठीक। तो हम बात करें फिजिक्स में, आपको केमिस्ट्री में ईंधन फ्यूल एक टॉपिक होता है, और प्रमुख धातु अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल, ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक। हमारा पीडीएफ है, अगर जो साइंस का पीडीएफ से पढ़ो, नहीं पीडीएफ है तो आपके पास लूसेंट की बुक तो कंपलसरी होगी ही, तो लूसेंट की बुक से ये टॉपिक पढ़ो आपका मेटल और फ्यूल, मेटल नॉन मेटल और फ्यूल, ठीक। इसके बाद जीके में एक टॉपिक होता है प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, इंपॉर्टेंट कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी, हमारी स्टैटिक जीके के पीडीएफ में है, और नहीं पीडीएफ है आपके पास तो आप कहीं से भी निकालो, लेकिन ये वाला टॉपिक आपको निकाल के पढ़ना, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। 20 मिनट आपको करंट अफेयर्स पे देना है, और जो बायोलॉजी है एक आपका खान सर की बुक है 15,000+ वस्तु की सृष्टि, चैप्टर 5 आपका बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक। तो ये आज का डे का टारगेट है, ये क्या है कैसे है, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा क्या चीजें मैं कैसे दे रहा हूँ, और यही टारगेट हमारा था कि इन 30 डेज में आपके पूरे ग्रुप डी के सिलेबस को रिवीजन कराया जाए, ठीक। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, अगर जो कहीं पर कोई डाउट दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, और चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।